हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपके सामने ये वॉल क्लॉक लेके आया हूँ। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सेल इसमें यूज़ हुआ हुआ है, AA बैटरी, जो कि एक स्टैंडर्ड सेल है जो हमारे जो घड़ियाँ होती हैं, हमारे जो वॉल क्लॉक्स होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है, 1.5 वोल्ट्स का होता है ये। तो इस वीडियो के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ कि इसमें एक ऐसा सेल लगाने वाला हूँ कि जिसमें मुझे लगाने के बाद इसमें कभी भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सेल चेंज करने की। तो ये है जी मेरे पास 1865 बैटरी का बॉक्स। इसमें काफ़ी सारे 1865 बैटरी सेल्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। तो इनमें से कोई भी सेल मैं पकड़ूंगा और वो मैं फ़िक्स करूंगा अपनी इस वॉल क्लॉक के अंदर, और फिर आप देखेंगे कि जो वॉल क्लॉक है ये किस तरह से रन करेगा, और फिर उसके बाद हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी में इस सेल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये सेल लाइफ टाइम चलेगा। तो ये एक सेल मैंने पिकअप किया है अपने बॉक्स में से 1865 बैटरीज़ के, और सबसे पहले तो मैं इसकी वोल्टेज को चेक करूंगा और चेक करूंगा कि ये सेल जो है ये बिल्कुल ठीक है या नहीं, और उसके बाद फिर मैं इसको फाइनल करूंगा इस घड़ी में, इस वॉल क्लॉक में लगाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.76 के अराउंड ये वोल्ट्स दे रहे हैं, तो इट मीन्स के इसने होल्ड किया हुआ चार्ज को और ये बिल्कुल ठीक तरह से हमें जो वोल्ट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.76 हमें यहाँ पे वोल्ट्स मिल रहे हैं। इस सेल को मैं पहले तो चार्ज करूंगा और उसके बाद जो है फिर मैं इसके अंदर इसको लगाऊंगा, और उससे पहले एक सर्किट है छोटा सा जो कि मैं यहाँ पे बनाऊंगा, क्योंकि सेल जो है वो 1.5 वोल्ट से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अब क्या करूंगा, एक सर्किट बनाऊंगा, एक कन्वर्टर बनाऊंगा जिसमें हमारे पास जो 3.7 वोल्ट सेल प्रोवाइड करता है उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा 1.5 वोल्ट्स में, जो कि एनफ होते हैं हमारी जो वॉल क्लॉक है उसको रन करने के लिए। तो एक यहाँ पे मेरे पास ट्रांजिस्टर है BC547, और यहाँ पे मेरे पास दो रजिस्टर हैं 10K ईच, और यहाँ पे सिर्फ ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं ये मैंने यूज़ करते हुए कन्वर्टर बनाना है 3.7 वोल्ट्स, या फिर 4 वोल्ट्स कह लें आप, 4 वोल्ट्स टू 1.5 वोल्ट्स का जो कन्वर्टर है वो मैंने बनाना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट है वो मैं बनाता हूँ, आपने फॉलो करना है सर्किट को। डायग्राम की कोई खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सर्किट आपको वैसे ही देख के समझ आ जाएगी। ये 10K का रजिस्टर है जो कि मैं अटैच कर रहा हूँ बेस के साथ। हमारा जो ये ट्रांजिस्टर है इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप जानते हैं, CBE यानी कि कलेक्टर बेस एमिटर होती है। तो सबसे पहले तो मैंने ये जो दोनों रेजिस्टर्स हैं ये बेस के साथ लगा दिए हैं, और एक जो हमारे पास रेजिस्टर है जो मैंने सबसे पहले लगाया था उसको मैं कलेक्टर के साथ लगा दूंगा, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसके कनेक्शंस करेंगे। आपने जस्ट ये जो मैं वीडियो के अंदर कर रहा हूँ इसको फॉलो करते रहना है बस। सर्किट हमारा तकरीबन कंप्लीट है। अब यहाँ पे सिर्फ मैं इनपुट एंड आउटपुट के जो कनेक्शंस हैं वो करने वाला हूँ। ये मेरे पास एक रेड वायर है, ये मैं कनेक्ट करूँगा। रेड वायर का मतलब ये है कि यहाँ से मैं जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, हमारा जो सेल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल, उसको कनेक्ट करूँगा, और जो मैं यहाँ पे दूसरे कलर की वायर यूज़ करूँगा वो मैं ग्राउंड या फिर आप कह लें कि नेगेटिव टर्मिनल के लिए मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने रेड वायर यूज़ की है और वो कलेक्टर के साथ लगाई है, हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसके, उसको मैंने यहाँ पे सोल्ड कर दिया। और इसी तरह से मेरे पास जो है वो दूसरी पीस ऑफ वायर्स होंगे जिनको मैं कनेक्ट करूँगा हमारा जो बेस है उसके साथ। ये आप देख सकते हैं, ये एक वायर को मैंने दो में उसको करके, उसको कट करके उसको मैंने कॉमन कर दिया, क्योंकि ये ग्राउंड का काम करेगी। एक जो वायर होगी हमारे सेल के साथ अटैच हो जाएगी और दूसरी वायर जो होगी वो हमारी जो वॉल क्लॉक है उसके साथ अटैच होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको मैं अपना जो रजिस्टर है उसके एंड के ऊपर कनेक्ट करूँ, जो कि हमारा रजिस्टर जो है वो बेस के साथ कनेक्टेड है हमारे ट्रांजिस्टर की, तो उसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद आउटपुट के लिए मैं अगेन रेड वायर यूज़ करूँगा, और जो आउटपुट है वो हम लेंगे अपना जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसके एमिटर के पॉइंट से, उसको मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। इसको अटैच करने के बाद अच्छी तरह से अगर आप ये करेंगे तो आपने इसको सोल्ड करना है ताकि जो हमारे कनेक्शंस हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएं और किसी भी तरह के हमारे पास जो लॉसेज हैं वो क्रिएट ना हो और हमारा जो वॉल क्लॉक है वो स्मूथली चलता रहे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये हमें लाइफ टाइम बैकअप देता है। लाइफ टाइम का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप बूढ़े हो जाएंगे और आपकी जो घड़ी है वो बिल्कुल ऐसी चलती रहेगी। इसका मतलब यह है कि ये काफ़ी साल आपको सेल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जस्ट क्या करना है कि आपने, अगर आपकी जो वॉल क्लॉक है आप नोटिस करते हैं कि वो पीछे रह गया, तो आपने जस्ट इसको चार्ज कर देना है।
चार्ज करने के लिए आपको कोई भी तरह का जो अडोप्टर है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। सो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसके साथ अपना जो ये सेल है ये अटैच करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी जो पोलैरिटी है वो चेक कर लेता हूँ, क्योंकि पोलैरिटी जो है वो हमारी उलट नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स को यहाँ से मैं देख के अब इसके साथ जो है हमारा जो सर्किट है वो अटैच कर दूँगा। ओके, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है और यहाँ पे मैं जो हमारी पॉजिटिव वायर है उसको सोल्ड करूँगा और नेगेटिव साइड के ऊपर जो नेगेटिव वायर है उसको सोल्ड करूँगा। ओके, सो दिस इज़ आवर पॉजिटिव पॉइंट। ये हमारा जो पॉजिटिव पॉइंट है ये सोल्ड हो गया है और इसी तरह से जो हमारा नेगेटिव पॉइंट है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के हमारे जो सेल है उसके साथ मैं इसको अटैच कर दूंगा। ओके, ये भी सोल्ड हो चुका है और इस वक्त जो हमारा सर्किट है वो तकरीबन इस वक्त कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट इट्स कंप्लीटेड। अब बस मैंने जो कनेक्शन हैं वो हमारा जो वॉल क्लॉक है उसके साथ करने हैं। और उससे पहले मैं क्या करूँगा कि इस सेल को, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से यूज़ नहीं हुआ, तो इस सेल को मैं चार्ज कर लूँगा, क्योंकि आउटपुट के ऊपर अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो वो इस वक्त हमें 1.5 वोल्ट से कम आएंगे, जो कि बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। हमारे जो वॉल क्लॉक है उसको एटलीस्ट 1.5 वोल्ट चाहिए होते हैं ठीक तरह से वर्क करने के लिए। यहाँ पे मैं वोल्टेज को मेजर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट से कम आएगी। आप देख सकते हैं 1.36 इस वक्त वोल्टेज आ रही है, विच इज़ नॉट गुड एनफ फॉर आवर वॉल क्लॉक। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हमारे पास एटलीस्ट 1.5 या इससे अबव होनी चाहिए। ये है जी हमारे पास पावर सप्लाई और जिससे मैं हमारा जो ये बैटरी है उसको चार्ज कर रहा हूँ। तो ये कुछ देर ऐसे चार्ज होता रहेगा सेल हमारा और उसके बाद जो है इसको मैं बंद कर दूँगा हमारी जो पावर सप्लाई है, और फिर हम ये जो हमारा सर्किट है इसको हम कनेक्ट कर देंगे अपने वॉल क्लॉक के साथ। ओके, सो सेल काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हीट अप है, इस वक्त मेरे से ये पकड़ा भी नहीं जा रहा, तो इट मींस कि ये फुली इस वक्त चार्ज हो चुका है। और अब मैं अगर वोल्टेज मेजर करूँगा हमारे आउटपुट के ऊपर तो वो देखता हूँ मैं कितने आते हैं। पहले तो हमारे पास आ रहे थे अराउंड 1.3 वोल्ट्स और अब हमें ऑब्वियसली ज़्यादा आने चाहिए, तो हम चेक करते हैं कि हमें कितने वोल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे आ रहे हैं तकरीबन 1.69 वोल्ट्स, यानी कि 1.7 वोल्ट्स के अराउंड हमें वोल्ट्स आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है हमारी जो वॉल क्लॉक है उसको रन करने के लिए। तो अब जस्ट मैं क्या करूँगा कि हमारे जो ये आउटपुट टर्मिनल्स हैं इनको मैं कनेक्ट कर दूँगा हमारा जो वॉल क्लॉक है उसके बैक साइड के ऊपर, जहाँ पे हम सेल लगाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, वो उलट नहीं होने चाहिए। आपने घड़ी के ऊपर भी जो आपकी वॉल क्लॉक है उसके ऊपर भी बना हुआ होता है सेल, वैसे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पर लगाना है और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पर लगाना है, ताकि जो हमारा क्लॉक है वो अच्छी तरह से रन कर सके। सो दीज आर द नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स। यहाँ पे मैं इसको अटैच करके चेक करूँ, इस वक्त जो गियर्स हैं वो घड़ी के हमारे चल रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारी जो घड़ी है वो बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रही है और जो हमारा सर्किट है वो इसको बिल्कुल ठीक तरह से वोल्ट्स को प्रोवाइड कर रहा है हमारे वॉल क्लॉक को। सो यहाँ पे मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है नेगेटिव टर्मिनल को अटैच कर दिया है, नेगेटिव इनपुट दे दिया है, एंड यहाँ पे मैं इसको पॉजिटिव इनपुट दे देता हूँ हमारे वॉल क्लॉक को, ताकि जो हमारा वॉल क्लॉक है वो चल पड़े। तो क्विकली मैं यहाँ से इसको सोल्डर कर रहा हूँ। बहुत ही इजी तरीका ये और बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट वे है आपके वॉल क्लॉक को हमेशा के लिए चलाने के लिए, हमेशा के लिए रन करने के लिए। सो ये भी मैंने सोल्ड यहाँ पे कर दिया है और हमारा इस वक्त जो सर्किट है टोटली कंप्लीट है और जो हमारी वॉच है इस वक्त रन कर रही है। अब जो हमारे पास सर्किट है और हमारे पास जो सेल है, ऑब्वियसली ये इस तरह से तो हम रख नहीं सकते, सो इसको
फिक्स करने के लिए मेरे पास यहाँ पे ग्लू गन है, ऐसे मैं इसको अटैच कर दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, दिखा देता हूँ कि हमारी जो वॉल क्लॉक है वो इस वक्त बिल्कुल ठीक तरह से रन कर रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथली ये रन कर रही है, तो इट मीन्स कि इसको ठीक तरह से वोल्टेज प्रोवाइड हो रहे हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस सर्किट को हम इस तरह से तो रख नहीं सकते क्योंकि हमने इसको वॉल्व के साथ हमने इसको माउंट करना होता है। सो यहाँ पे इसको मैं अपनी जो हमारी ग्लू गन है उसके साथ मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर दूंगा ताकि हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और हम बहुत ही ज़्यादा आसानी से अपने इस वॉल क्लॉक को, हमारी जो वॉल है उसके ऊपर माउंट कर सकें। सो ये हमने यहाँ पे सर्किट को इस वक्त ग्लू गन के साथ जोड़ दिया है अपने वॉल क्लॉक के साथ, और इसी तरह से ये जो बैटरी है ये थोड़ी सी हैवी होती है तो इसके लिए मुझे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ग्लू लगाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर दूँगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी ज़्यादा ये मुझे उम्मीद है कि यूज़फुल होगी मेरे काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय।